नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी को कोरोना हुआ है। सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही एक गौर करने वाली खबर यह है कि कल कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए थे सतपाल महाराज, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतपाल महाराज का घर कुछ दिन पहले ही क्वारंटीन किया गया था, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतपाल महाराज की जो पत्नी है अमृता रावत, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कल कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल हुए थे सतपाल महाराज। फिलहाल सतपाल महाराज अपने सरकारी आवास में रह रहे थे और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि सतपाल महाराज की जो धर्म पत्नी है अमृता रावत, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें सतपाल महाराज भी शामिल हुए थे, तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। लगातार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो पत्नी हम दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, कुछ दिन पहले क्वारंटीन किया गया था उनके घर को। और दूसरी तस्वीर, क्वारंटीन के बाद भी कल सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सतपाल महाराज की जो पत्नी है अमृता रावत, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब चिंता और ज्यादा इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की वाइफ भी अब कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि मंत्री अभी कुछ दिन पहले जो उनका निजी आवास है उसको क्वारंटीन किया गया था क्योंकि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। हालांकि मंत्री जी ने ये कहते हुए अपने आवास से सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए थे कि वो उनसे नहीं मिले हैं और इस वजह से वो जनता से मिलने के लिए सरकारी आवास पर रहेंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वो मंत्री जी का सरकारी आवास है और मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा हूँ। सवाल इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर जो मंत्री जी की वाइफ जो पॉजिटिव आई हैं, अगर वो इसी आवास में थी सरकारी आवास में, तो कहीं ना कहीं मंत्री खुद इस आवास में थे, ऐसे में और ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन स्थिति इस वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि इस मसले पर ना तो स्वास्थ्य विभाग कुछ बताने के लिए तैयार है, ना ही प्रशासन इस पर कुछ बताने के लिए फिलहाल तैयार है। हालांकि इतनी पुष्टि हो पाई है कि कैबिनेट मंत्री की जो वाइफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ गई हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री दो बार, एक बार उनका जब घर क्वारंटीन हुआ तो उसके बाद जो है कैबिनेट में वो भाग ले चुके हैं और इसके बाद एक बार फिर उन्होंने कैबिनेट में भाग लिया। ऐसे में अगर कैबिनेट मंत्री जिस सरकारी आवास में रह रहे हैं उनकी वाइफ भी अगर उसी आवास में रह रही थी तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। तो सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड के और उनकी पत्नी जो अमृता रावत हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद कल कैबिनेट की मीटिंग में सतपाल महाराज शामिल भी हुए थे, तो स्थिति जिस तरह से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा बता रहे थे कि गंभीर हो सकती है, वो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनके घर को क्वारंटीन किया गया था, एक नोटिस चस्पा किया गया था। अब अमृता रावत जो उनकी धर्मपत्नी है उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इस बीच कल कैबिनेट की बैठक में सतपाल महाराज शामिल हुए थे। सतपाल महाराज अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं इस वक्त। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में अब हर दिन इजाफा हो रहा है। सूबे के हालात को लेकर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के संदिग्ध की लगातार जांच की जा रही है। प्रदेश में 1,81,000 प्रवासी लौटे थे, अब जो मामले कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उनमें प्रवासी ही शामिल हैं। 15 मई को उत्तराखंड में कोरोना के 82 केस थे, अब महज 15 दिन के भीतर ही कोरोना मरीजों की संख्या 727 हो गई है। डबलिंग रेट जो अभी तीन दिन चार दिन पहले चार से भी कम था, 3.99% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है
और आज के दिन में 5.23% है डबलिंग रेट। यद्यपि भारत के औसत से ये कम है, लेकिन अब हमारा ट्रेंड बढ़ने की ओर है, डबलिंग रेट को और बढ़ाने की ओर है, तो ये एक अच्छी घटना हो रही है। टेस्टिंग यद्यपि बहुत तेज़ी से बढ़ाए हैं, लेकिन अभी हमारा 5,000 से अधिक सैंपल्स हैं जो टेस्टिंग के लिए इस समय वो प्रतीक्षा में हैं, और आगामी कुछ दिनों में इनकी टेस्टिंग हम पूरा करेंगे। रुड़की के मंगलौर में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हथियारों से लैस कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़कोट के पुरोला क्षेत्र में तेंदुए का आतंक है। तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों युवक घायल हो गए। घायल युवकों को किसी तरह ग्रामीणों ने पुरोला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को देहरादून रेफर कर दिया गया। तेंदुए से कैसे बचेगी देवभूमि? ये तेंदुआ तो ग्रामीणों को मार ही डालेगा। एक तेंदुआ पूरे गांव पर भारी। यमुना घाटी में तेंदुए की दहशत। बड़कोट का पुरोला इलाका, जहां तेंदुए के साथ ग्रामीणों की फाइट हो रही है। गांव के 2 युवक खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। युवकों ने चिल्लाना शुरू किया तो गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दोनों युवकों में से एक ने दिलेरी दिखाई और तेंदुए को कसकर पकड़ लिया। इस कोशिश में युवक की जान भी जा सकती थी, मगर युवक ने हार नहीं मानी और तेंदुए से भिड़ गया। तब तक बाकी ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर भीड़ इकट्ठा होती देख तेंदुआ डर गया। लोगों ने उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर, जिसके बाद तेंदुआ वहां से भागकर झाड़ियों में छिप गया और फिर जंगल की तरफ रुख चक्कर हो गया। तेंदुए के हमले में एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, ABC। काशीपुर में ई वे बिल के जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी फर्म बनाकर करीब 529 करोड़ रुपए की धांधली हुई है। ई वे बिल के जरिए फर्जीवाड़ा। फर्जी फर्म बनाकर बड़ी धांधली। ₹529 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे व्यापार के नए तरीके विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे ठगों ने भी ठगी के नए नए रास्ते बना लिए हैं। काशीपुर में ई वे बिल के जरिए ठगी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ठगों ने फर्जी फर्म बनाकर सरकार को 529 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जांच में ऐसी कई फर्म की जानकारी मिली जिनके पते फर्जी हैं। इन फर्जी एड्रेसेस का इस्तेमाल सिर्फ ई वे बिल बनाने के लिए किया जाता था। ई वे बिल के तहत फ्रॉड का मामला सामने आया है। फ्रॉड लगभग 529 करोड़ का है। 2 तरफ से जो है फर्म्स जनरेट की गई हैं, इसमें जहां से सामान आना है और जहां तक जाना है, लेकिन दोनों ही तरफ जो एड्रेस हैं वो फेक हैं। बीच में जो ई बिल बनते हैं उसको सामान को लाने ले जाने के लिए, उसके नाम पर फिर क्लेम करने के लिए जो है इन्होंने ये फ्रॉड दस्तावेज बनाए हैं। इस गड़बड़झाले के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की जांच में पता चला
कि इसमें कई फर्म शामिल हैं, मगर वो सभी फर्जी तरीके से संचालित हो रही थी। असल में ये फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका इस्तेमाल सिर्फ ईवे बिल बनाने के लिए ही किया जा रहा था। पूर्व में जो व्यापार कर आयुक्त हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के, उनके द्वारा एक कमेटी गठित करके इसकी जांच कराई गई थी। जांच में ये फ्रॉड सामने आया था, तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। सर लगभग कितनी फर्म है इसमें? देखिए, इसमें इस रीजन में पूरे 34 फर्म्स हैं, लेकिन वो फर्म जो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाया गया है सब फेल। कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड में ईवे बिल में करीब 8500 करोड़ का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, जिसमें 70 फर्मों ने 2 महीने में फर्जी तरीके से राज्य के भीतर और बाहर करीब 8500 करोड़ के ईवे बिल बनाए थे। इन 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के बिल बना रही थी। 26 फर्मों के माध्यम से चप्पल की बिक्री अन्य राज्यों में दिखाई गई थी। जीएसटी लागू होने के बाद ईवे बिल के जरिए फर्जीवाड़े के इन मामलों की जड़ें और गहराई तक जमी हुई हैं, ये भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। टिड्डी दलों को लेकर उत्तराखंड में कृषि विभाग अलर्ट पर है। कृषि विभाग की ओर से किसानों से भी चौकन्ना रहने को कहा गया है, लेकिन किसानों को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि इस मुसीबत से बचा कैसे जाएगा। इन टिड्डी दलों ने इस समय किसानों की टेंशन बढ़ा रखी है। उत्तराखंड के किसान भी टिड्डी दल की वजह से परेशान हैं। उत्तराखंड के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर खेती होती है। ऐसे में किसानों को खतरा है कि कहीं टिड्डी दल इनकी फसलों को चट ना कर जाए। ये जो टिड्डी का प्रकोप इस समय चला हुआ है, पहले तो लॉकडाउन के मार से हमारा जो उत्तराखंड है पहले से जूझ रहा है, और अब ये टिड्डी आ गई है, तो इस टिड्डी के को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। आने से पहले पहले उसे वहां से बॉर्डर पे ही खत्म कर देना चाहिए। टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग अलर्ट पर है। शासन की तरफ से आपदा प्रबंधक समिति बनाई गई है, जो सभी विभागों के साथ तालमेल रखकर काम कर रही है। पहले वाले में तो ये है कि हम बहुत तेज आवाज करें, थाली बजाएं या ड्रम बजाएं या ढोलक बजाएं, जिससे कि वो बैठने ही ना पाए। और दूसरे वाले में जो होता है कि फसलों को कैसे बचाएं, तो उसके लिए हम लोग नीम आयल और जो इंसेक्टिसाइड पे हैं इसके लिए रिकमेंडेड, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में भी टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से टिड्डी दल को मारने के लिए केमिकल का स्प्रे तैयार है। काशीपुर में और रुद्रपुर में वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा, और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नजर आती है तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकें। हालांकि टिड्डी दल ने किसानों को टेंशन दे रखी है। किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए। बहुत बड़ा किसानों के ऊपर एक संकट है, क्योंकि किसान पहले ही ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से और फिर कोरोना की बीमारी से किसान की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस देश के अंदर। अब टिड्डी का जो प्रकोप है ये राजस्थान, दिल्ली, NCR और हरियाणा, पंजाब तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है। फसलों के दुश्मन टिड्डी दल को लेकर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इनसे निपटने के लिए दवाइयां भी तैयार हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए सुपरविजन टीमें भी गठित की जा चुकी हैं। उधम सिंह नगर से विकास कुमार के साथ हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारत ने हाल ही में चीन नेपाल बॉर्डर के पास लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक सड़क बनाई है। इस सड़क के उद्घाटन के बाद से ही नेपाल ने इसे लेकर आपत्ति जताई। कुछ दिन पहले ही नेपाल ने इसे एक राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था, जिसमें उसने भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को भी शामिल किया गया था। जानकार इसके लिए चीन की साजिश मानते हैं। दरअसल ये लिपुलेख रोड सामरिक लिहाज से काफी अहम है। इससे चीन बॉर्डर तक भारत की पहुंच काफी आसान हो जाएगी, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी पहले से सुगम होगी। तो
भारत ने हाल ही में चीन नेपाल बॉर्डर के पास लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक ये सड़क बनाई है और इस सड़क के उद्घाटन के बाद से ही नेपाल इसको लेकर लगातार आपत्ति जता रहा है। ये देखा कि काला पानी जो है ये प्राचीन समय से भारत का रहा है और जो मैंने दिखवाया खुजवाया है उसमें ये बंदोबस्त के समय से ही भारतीय खतौनी में अंकित है और भारत के मैप में भी अंकित है और यह जो है दर्शनीय स्थल रहा है और यह स्थल जो है हमारे गरब्यांग गांव का एक टोक है और यहां लोग जो है खेती करते थे, अभी भी गरब्यांग की भूमि यहां पर है और जो ये नेपाल में ये सारी चीज़ें चल रही ये गलत है। टिहरी में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान धन सिंह रावत ने कोरोना महामारी के लिए जिले को दिए गए 7 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करने पर नाराजगी जताई। धन सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि क्वारंटीन सेंटरों में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक 5 लाख रुपए टिहरी जिले में खर्च हुए हैं, लेकिन आज हमने बैठक में निर्णय लिया है कि तुरंत जहां भी, चाहे हमारे सीएससी सेंटर हो, चाहे पीएससी सेंटर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, उन सब के लिए गांव-गांव में चाहे मास्क की ज़रूरत हो, सैनिटाइज की ज़रूरत हो, पैसे की दिक्कत बिल्कुल टिहरी ज़िले में नहीं है और जो भी खर्चा होगा हमारी सरकार उस पर करेगी। और मुझे लगता है कि अब जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कि खाने की व्यवस्था से लेकर उनके भोजन की किट की व्यवस्था से लेकर सब व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के दोनों गेट बंद हैं, इसकी वजह से फरियादी अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले एक महीने से गेट में एंट्री बंद है, ऐसे में लोग अपनी जरूरी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे हैं। नेपाल के कुछ लोग भी अपने घर लौटने के लिए परेशान हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। अंदर से दिन सर कागज भी आ रखे हैं, फिर हमने मीडिया रिपोर्ट करके अंदर दी, तो इसलिए हमें 8-10 दिन आया होगा सर, हमें कोई न तो खाने का है न कोई रहने का है, बहुत परेशानी है सर। जितने लोग 250-300 नेपाली है, कितने हैं यहाँ नेपाल जाने को चाहते हैं, हमें चाहिए था बॉर्डर का पास। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत पूर्व में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से किए जा रहे कामों पर असंतोष जताया था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो योजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी, एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकायें कुछ कोशिश करें। दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो एक्ट है 2016 का, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, फार साइटेड लेजिस्लेशन है, और इसको लागू करना जो है राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को सुनिश्चित करना है। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियाँ थी लोगों की और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फायर सीजन को लेकर टिहरी में वन विभाग के सभी क्रू स्टेशंस अलर्ट पर हैं। वन विभाग के कर्मचारी सड़क पर इकट्ठा हो रहे पेड़ की पत्तियों को साफ कर रहे हैं, चीड़ की पत्तियों को जलाया भी जा रहा है। गर्मियों के मौसम में चीड़ की पत्तियों की वजह से ही सबसे ज़्यादा
आग लगने की घटनाएं होती हैं और ऐसे में वन विभाग तमाम तरह की तैयारी कर रहा है जिससे आग लगने की घटनाओं पर कमी पाई जा सके। हमने जो फायर वॉचर्स भी जो लगाए थे वो भी कम किए हुए थे, अभी एक एक रोड स्टेशन पर चार चार फायर वॉचर लगाए थे और उनको कंट्रोल करके, चूँकि जो बहुत ज़्यादा हमारे हाइपर सेंसिटिव एरियाज हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना का ये ईश्वर के अगर चाहे ये जल्दी ख़त्म होगा तो उसके बाद फॉरेस्ट फायर, टेम्परेचर बढ़ने के बाद फॉरेस्ट फायर हमारे आगे एक बहुत बड़े आपदा के रूप में है, उसकी प्राथमिकता को देखते हुए हम बिल्कुल आइसोलेशन करते हुए और सारे जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं जिस तरीके से वो करते हुए हमने अपने स्टाफ को सारी चीज़ें, मास्क दिया हुआ है, साबुन दे रखा है, सैनिटाइजर दे रखा है। अल्मोड़ा को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नगरी के रूप में जाना जाता है, मगर इस शहर की एक और खास पहचान है, वो है बोगनवेलिया की ये बेल जिस पर अब फूल खिले हुए हैं। इस बोगनवेलिया को 60 साल पुराना बताया जाता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये देवदार के पेड़ से लिपटी हुई है। सांस्कृतिक नगरी के साथ साथ यहाँ के लोगों ने उस देवदार के वृक्ष पर जो है बेगोनिया की बेल डाली है और आज वो उसकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्मोड़े नगर की एक बहुत ही खूबसूरत स्थान के रूप में इसे इस समय देखा जाता है। और अब रुक करते हैं कुछ फटाफट खबरों का। खटीमा में लॉकडाउन का फायदा उठाकर जंगल में घुसे तस्कर, अवैध लकड़ी के साथ 6 लोग गिरफ्तार। पौड़ी में सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों से कोरोना की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। उत्तरकाशी में बैंक मैनेजर की ने लोगों को दिखाई दबंगई, सवाल पूछने पर ग्रामीणों को खरी खोटी सुनाई। खटीमा में परवीन नदी में दीवार बनाने का काम शुरू, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है काम। केदारनाथ धाम में बदला मौसम, बारिश की वजह से पुनर्निर्माण काम प्रभावित, तापमान गिरने से मजदूरों को काम करने में परेशानी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।